हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, पीछे इतना बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, फिर भी राज बैठ जाओ दोस्त। चलो आज मैं बच्चों से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने वाला हूँ दोस्त। इनको तो पता ही पता है, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, तो उन सबका क्लियर होने वाला है। एक एक करके मैं बच्चों से पूछूंगा। तो सबसे पहले मैं अदिति जी से पूछूंगा, हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? इंग्लिश हो हिंदी हो, हमारी शुरुआत होती सबसे छोटे यूनिट लेटर्स से होती है। तो अदिति जी ये बताएंगी कि लेटर्स कितने होते हैं, उनमें से कौन से अलग होते हैं। सो अदिति, यू शुड टेल अबाउट लेटर्स। ओके सर, लेटर हैज़ टू पार्ट्स, फर्स्टली कॉन्सोनेंट और वोवेल। वोवेल हैज़ फाइव पार्ट्स, फाइव अल्फ़ाबेट्स, ए ई आई ओ यू, एंड कॉन्सोनेंट हैज़ 21 अल्फ़ाबेट्स। ओके, बहुत सारी हिंदी मीडियम के बच्चे, उनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप हिंदी में बताओ कितने लेटर्स होते हैं, कितने वोवेल, कितने कॉन्सोनेंट और कितने सेमी वोवेल और सेमी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके सर, वोवेल लेटर्स के दो पार्ट होते हैं। लेटर्स टोटल कितने होते हैं? लेटर्स टोटल 26 होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स, एंड वोवेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई और यू, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो 21 होते हैं। और सेमी वोवेल सेमी कॉन्सोनेंट भी होते हैं, डब्ल्यू और वाई। यस सर, डब्ल्यू एंड वाई जो होते हैं वो सेमी कॉन्सोनेंट होते हैं। ओके, शुरू में आते हो तो सेमी कॉन्सोनेंट होते हैं और लास्ट या बीच में आते हो तो सेमी वोवेल होते हैं। चलो जानवी जी, आप खड़े हो जाओ, आप बताओ इंग्लिश में सब्जेक्ट कितने होते हैं? आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सब्जेक्ट कितने होते हैं? आई वी यू दे ही, आई वी यू दे ही शी इट नेम्स। राइट, मतलब आठ होते हैं ना, गिनो एक हाथ से, गिनो एक हाथ से, बताओ जल्दी से, ये हार्ट अटैक की पेशेंट है। आई वी यू दे ही शी इट नेम। छह हुए ना? एट। हाँ, एट हुए। चलो पुष्पेंद भाई, आप बताओ कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट जोर से मतलब देख के बताओ। ही सी इट नेम, आई वी यू दे। काउंट करके बताओ, एक हाथ से काउंट करो। ही सी इट नेम, आई वी यू दे। मैंने कहा एक हाथ से काउंट करो, आप उंगलियों से काउंट कर रहे हो। मैंने कहा एक हाथ से काउंट करो, बच्चा उंगलियों से काउंट कर रहा था। चलो ठीक है, हाथ वैसे हैं भी नहीं आठ। हाँ तो सक्षम जी, आप बताओ, आप खड़े हो जाओ, आप सब कुछ बताने में सक्षम हो, तो फिलहाल ये बताओ कि इंग्लिश में टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती हैं? सर हेल्पिंग 12 होती है सर। मुस्कुराते हुए बताओ। सर 12 होती है। देखो ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल, माइक लगा तो सब भूल गया, उसका डबल करो, ये दो दर्जन होती हैं। सर 24। सबको बताओ कौन कौन सी होती हैं फटाफट। इज एम आर विल, इज एम आर विल शैल वाज वर हैज हैव हैड। चलो ठीक है, तो ये बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब मतलब 13 टेंस की होती हैं, 13 टेंस की होती हैं, डू डज इज एम आर हैज हैव और डिड वाज वर हैड विल सेल, और 11 मॉडल की होती है शुड ऑट टू मस्ट कैन कुड वुड यूज टू नीड टू डेयर टू मे और माइट, है ना। हालांकि बच्चा ऐसा बता रहा था शुड कैन कुड, ऐसा लग रहा था स्वाहा या फेंक रहा हो। चलो आप बताओ टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं शुभम भाई? यस सर 24 सर। उधर देख के बताओ सर 24। काउंट करके बताओ जल्दी जल्दी कौन कौन सी। डू डज इज एम आर हैज हैव डिड वाज वर हैड विल सेल। राइट, बच्चे को अभी बोला होता कि बैठ के बताओ तो पेन से धुन भी बजा बजा के बताता है, ठीक है। हाँ चलो बताओ मॉडल, धुन बजा के बताओ मॉडल। सर शुड आउट टू एंड कैन मे माइट मस्ट यूज टू नीड टू डेयर टू। हालांकि शर्मा गया, धुन नहीं बजा रहा है, बाकी बता लेता है। चलो ठीक है, आप बताओ टोटल कितनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, कौन कौन सी। लो माइक पकड़ लो भाई। सर इन हिंदी। हाँ सर, ग्रामर में पूरी 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, टेंस में 13 होती हैं और मॉडल की 11 होती हैं। टेंस में जैसे डू डज इज एम आर हैज हैव डिड वाज वर हैड विल सेल, एंड मॉडल में शुड वुड कुड मे माइट एंड अदर। चलो ठीक है, वेरी गुड। ये सभी गोरे लोग हैं, चमकने लगते हैं और मैं ब्लैक डायमंड टाइप का आदमी हूँ, स्वेटिंग होता है तो मैं और काला पड़ जाता हूँ, ठीक है धन्यवाद। तो आप बताओ जो वर्ब होती है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, उधर देख के मुस्कुराते हुए। यस सर, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि मेरा नाम राज है, मैं अपना राज नहीं बताऊंगा लेकिन इंग्लिश ज़रूर बताऊंगा। आपको पता है कि वर्ब में 8 पार्ट्स होते हैं, लाइक एज, वीक वर्ब, ट्रांसटिव वर्ब, इन ट्रांसटिव। इसका 4 रन हो गया। अरे वर्ब के फॉर्म कितने होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म? सर इट हैज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, लाइक एज, गो वेंट, गॉन गोइंग गोज, गिविंग गिव्स, एंड डू डिड डन डूइंग डज, और
गो एंड कॉन गोइंग गोज इट एट इट एंड इटिंग इट्स गिव गैप गिविंग गिविंग गिप्स ये कुछ भी बता रहे हैं। चलो आप बताओ बर्फ की कितनी फॉर्म्स होती हैं? सर बर्फ की 5 फॉर्म्स होती हैं। उधर देखो बताओ कितनी फॉर्म्स? सर बर्फ की 5 फॉर्म्स होती हैं। फटाफट बताओ सर। गो एंड कॉन गोइंग गोज डू डिड डन डूइंग डज और चलो वेरी गुड। अब हमारा लास्ट पॉइंट होगा कि जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसके कितने काइंड्स होते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने काइंड्स होते हैं, आकाश भाई बताएंगे। चलो लग जाओ। सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं और कितने वो होते हैं बताओ। सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। फर्स्ट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। फ्रेंड्स तो हम लोग ये पूछ रहे थे बेसिक इन्फॉर्मेशन। आप सभी लोग इस वीडियोस को देखेंगे और अपने सभी फ्रेंड्स को भेजेंगे जिनको बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं आता, और उसके बाद हमारे वीडियो को सभी लोग बोले यार तो मैं बोल रहा हूँ सभी लोग क्या करें।